इनको तो ना जो खिलाओ सो कम पड़ता है, इतने ललोत्तर हैं, ऐसे कभी बर्फी नहीं खाते हैं। आज ऊपर से भाभी लेकर आई, बोलती है हमने बनाई है बर्फी, तो मैंने बोला ये तो खाते नहीं है मीठा, तो उनके सामने क्या बोलते हैं, नहीं भाभी आप तो रख जाओ मैं तो खाऊंगा, मुझे तो आपके हाथ की बर्फी बहुत अच्छी लगती है। मुझे झूठा साबित कर दिया ना उनके सामने। कल शाम को ना मेरे पे जबरन में चिल्लाने लगे, बोलते क्या करती रहती हो तुम, दिन भर एक रसीद ढंग से नहीं रखी। मैंने बोला ये जो पैलेस खड़ा किया है ना आपने मेरे लिए दो कमरे का राजा जी, उसको साफ करते रहते हैं, ले सिंहासन बैठेंगे। मैं तो ना बच्चे बड़े हो जाए ना मैं सब छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, नहीं नहीं रहा जाता अब। मैंने बोला चलो छोड़ो, मैंने प्यार से बोला, मैंने दीदी ने बुलाया खाने पे चलोगे, बोलते अभी तो गए थे तुम्हारी दीदी के यहाँ पिछले साल। खून तो मेरा ऐसा खोला ना, मैं कुछ बोली नहीं, चुप रही। मतलब इनके घर वालों के जाना हो ना तो एकदम लेस वाला जूता पहन के तैयार हो जाएंगे, और मेरे घर वालों के यहाँ जाने की बात हो ना तो ये चींटियों से ज्यादा बिजी हो जाते हैं। ऋषु के हाथ में मैंने 2 रुपए देखे, मैंने पूछा कहाँ से आए, तो नहीं बोला। फिर गरम चमेटा दिखाया ना तो बोलता है कि बड़े पापा ने दिए। फिर मैंने बोल दिया उनसे, मैंने मेरे बच्चों को पैसा मत दीजिए कीजिए आप, मतलब आज वो 2 रुपए की बात छुपा रहा है, कल को 2 लाख रुपए के लिए बोलेगा, तो ये सही बात थोड़ी है।